Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. Now the elections are getting over and on 4th of June we'll get the new government. We'll get election result. And then in June we are expecting many recruitments, especially the SEBI legal one for which advance intimation came in March and the notification has been delayed because of the elections. Now first thing that you have to know is where you stand. Check your preparation before the notification. Attempt a mock test. You can find free mock test for paper 1, paper 2 in phase 1 and for paper 2 in phase 2 on our website. You can attempt those mock tests and you can see how much you are prepared for the exam before the notification. The question now comes what to do in June. When is the notification expected? So see, the exact date is not yet known, but we are expecting the notification to come somewhere in next week. तो अगर नेक्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका फेज वन का एग्जाम जुलाई सेकेंड वीक तक हो जाना चाहिए. कीपिंग दैट इन माइंड यू शुड बी कंटिन्यूइंग विद योर प्रिपरेशन. यू शुड सी हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड. और अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, स्टिल यू हैव टाइम टू गिव योर बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम. बट ये भी पॉसिबल है कि नोटिफिकेशन कुछ दिन डिले हो जाए, मे बी अ वीक, 5-7 डेज. सो इफ दैट इज द केस, आपका फेज वन का एग्जाम फिर भी जुलाई में होगा, प्रॉबेबली अ वीक लेट. सो कीप दिस इन माइंड. मेजर चांसेस आर देयर दैट फेज वन विल बी इन जुलाई, फेज टू विल बी इन ऑगस्ट. कीप दिस इन माइंड, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड कीप ऑन चेकिंग योर प्रिपरेशन. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड्रेस द फॉलोइंग क्वेरीज. इज गिवन टाइम इनफ फॉर प्रिपरेशन इफ आई स्टार्ट नाउ? सेकेंड, नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन जून, फेज वन इन जुलाई, फेज टू इन ऑगस्ट, देन हाउ टू स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीफली आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं देन डू यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर फेज वन एंड फेज टू. स्टिल राइट नाउ द फेज वन इज एक्सपेक्टेड इन जुलाई, आपके पास पूरा एक महीना है. कोशिश कीजिए फॉर द फर्स्ट 10 डेज यू आर स्टडिंग मोर ऑफ फेज टू एंड लेस ऑफ फेज वन, एंड देन इन द लास्ट 20 डेज यू आर स्टडिंग मोर ऑफ फेज वन. इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए. एंड आई एम होपिंग आपने कुछ टॉपिक्स तो पढ़ लिए होंगे, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. ऑल्सो रिमेम्बर, फेज वन इज ओनली क्वालिफाइंग और आपको सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए. पेपर वन, QRE, GA में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए और बाकी 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांगली कर लीजिए, 1 सब्जेक्ट को पार्शियली कर लीजिए. पेपर वन में आपको 30 मार्क्स टारगेट करने हैं. टू बी ऑन द सेफर साइड, ट्राई टू गेट 35-40 स्कोर इन द मॉक टेस्ट. देन कमिंग टू योर पेपर टू, पेपर टू में आपका डिफाइंड सिलेबस है. यहाँ पर भी आप 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं. यहाँ पर आपको 50 मार्क्स लाने हैं. अगर आप पेपर वन में 30 मार्क्स लाएंगे तो आपको पेपर टू में 50 लाने हैं, ताकि आपका टोटल 80 बन जाए. दिस इज योर फेज वन सिलेबस ऑफ द लॉ पार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. सिलेक्टिव पार्ट्स मेंशन है, आप अच्छे से फोकस कीजिए. आई विल सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पूरा कर लीजिए. 3-4 क्वेश्चंस हर एक एक्ट में से आ जाते हैं. सीपीसी इज अ ह्यूज एक्ट. अगर आप चाहते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, 3-4 क्वेश्चंस ही आएंगे, वो आप स्किप कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, लिमिटेड एरियाज पढ़ने हैं तो इसको पढ़ लीजिए. सेम गोज फॉर लिमिटेशन, इसको पढ़ लीजिए. देन एडमिन लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स. इसमें से काफी पोर्शन आपका लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स में से आता है. ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड विद मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स. एंड एडमिन लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए आप नोट्स देख सकती हैं. कमिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं. सो इन दिस वे गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी, चेक आउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. यहाँ पर आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाने हैं. 60 तक टारगेट कीजिए, मतलब 50 में से 30 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लें, करेक्टली अटेम्प्ट कर लें, सो दैट इज इनफ. जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 10 दिन फेज टू पे ज्यादा फोकस कीजिए. फेज टू की कट ऑफ हाई जाती है. फेज टू में आपका पेपर वन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, एसे, प्रेसियम, कॉम्प्रीहेंशन. इसकी वेटेज 1/3 है. यहाँ पर आपको 55-60 मार्क्स टारगेट करने चाहिए. एनीथिंग नियर 60 और अबव 60 इज अ गुड स्कोर. कमिंग टू योर पेपर टू, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लीगल और डिस्क्रिप्टिव लीगल दोनों आते हैं. ऑब्जेक्टिव लीगल 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. यहाँ आपके पास चॉइस होती है 5 में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की. पेपर टू का सिलेबस भी डिफाइंड है, पर आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू स्टडी एवरी टॉपिक इन डिटेल, इन डेप्थ. क्रिमिनल लॉज ओल्ड आएंगे या न्यू आएंगे, दिस विल बी देयर इन द नोटिफिकेशन, तो उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं. यहाँ पर आपको 100 में से
आउट ऑफ 70 प्लस 30 100 में से समवेयर 80-85 मार्क्स टारगेट करने हैं। इन ऑर्डर टू डू दैट 70 में से आपके 60-65 आने ही चाहिए। एंड सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 22-23 इतने स्कोर लेना होगा, 20 से 22। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर फेज टू, इसीलिए फेज टू की प्रिपरेशन और ज़्यादा करनी है और अच्छे से करनी है। एंड आई होप इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर सेबी लीगल, आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपने रीड कर लिया हो सब कुछ, बट लेकिन स्टिल यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस कि आपका सिलेबस हो गया है नहीं। इन दैट केस स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, गिव मॉक टेस्ट एंड चेक आउट योर स्कोर बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड इन दिस वे स्लोली यू विल बी एबल टू गेट कॉन्फिडेंस। आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। You can check out our course. In our course, you will find 10 mock tests for the legal portion, having both objective and descriptive questions. The descriptive questions are evaluated by the experts. So you can check that out. This is your syllabus for phase 2. यहाँ पर criminal law के section में अभी confusion है, old criminal laws आएंगे या new criminal laws आएंगे, otherwise corporate law and securities law is expected to be the same. So I'm hoping इसमें से आपने कुछ percent तो prepare कर लिया होगा, otherwise also keep on continuing your preparation. In one of my earlier videos, I have given you a brief cover corporate law, securities law till notification. I hope you are following that. I hope आपने कुछ cover किया हो. I have asked you to practice reasoning. I have asked you to use your time wisely for phase 2 objective and descriptive preparation. Still, if you haven't been consistent, you still have time. Many students last year cleared the exam in a span of just 2-3 months, right after the notification. Rinal was one student, then Raghav was another student who prepared just after the notification. So keep this in mind, continue your preparation, practice a lot, wish you all the best for your upcoming exam. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel, stay tuned. Thank you.